पॉपफिट गार्डियन में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन पर भद्रा का साया है और आपको कब राखी बांधनी चाहिए वो हम आपको बताने वाले हैं। तो भाई और बहन के विशेष स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन इस बार शनिवार मतलब कल 29 अगस्त को आ रहा है, परंतु इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया है। इसके चलते राखी बांधने के शुभ समय दोपहर 1:50 के बाद होगा। श्रावणी पूर्णिमा इस बार श्रावण नक्षत्र भी नहीं रहेगा। भद्रकाल में राखी बांधना शास्त्रों में निषिद्ध बताया गया है। अपराह्न का समय रक्षाबंधन के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है, जो कि हिंदी समय गणना के अनुसार दोपहर बाद का समय है। यदि अपराह्न के समय भद्रा आदि की वजह से उपयुक्त नहीं है तो प्रदोष काल का समय भी रक्षाबंधन के संस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता है। भद्रा का समय रक्षाबंधन के लिए निषिद्ध माना जाता है। हिंदी मान्यताओं के अनुसार सभी शुभ कार्यों के लिए भद्रा का त्याग किया जाना चाहिए। सभी हिंदू ग्रंथ पुराण और विशेषतः व्रतराज भद्रा समाप्त होने के पश्चात रक्षाबंधन की विधि का सलाह देते हैं। तो ये हमने आपको बताया कि रक्षाबंधन इस बार जो शनिवार को आ रहा है उसे आप 1:50 के बाद मनाएं। अभी राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो है 1:50 से रात्रि 9:01 तक। अवधि है 7 घंटे और 11 मिनट का। रक्षा बंधन के लिए अपराह्न मुहूर्त है 1:50 से 4:13 तक। अवधि है 2 घंटे 13 मिनट और रक्षा बंधन के लिए प्रदोष काल का मुहूर्त है 6:00 शाम को 44 मिनट से रात को 9:01। अवधि है 2 घंटे 17 मिनट। अब आपको बताएंगे कि कब से कब तक रहेगी भद्रा। तो भी हम आपको बता देते हैं, भद्रा पुंछ जो है वो रहेगा 10:15 से लेकर 11:16 तक और भद्रा मुख रहेगा 11:16 से 12:59 तक और भद्रा अंत समय है 1:50। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होता है 29 अगस्त 2015 को 3:35 सुबह और पूर्णिमा तिथि समाप्त होता है 30 अगस्त को रात्रि 12:05 पर। यदि अपराह्न का समय भद्रा आदि की वजह से उपयुक्त नहीं है तो प्रदोष काल का समय भी रक्षाबंधन के संस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।